क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 3 हम करने लगे हैं। कहता है कि वो नेसेसरी कंडीशन बताओ जिसके लिए ये वेक्टर एक कांस्टेंट हो। ठीक है, एक वेक्टर फंक्शन दिया गया है एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन हमने प्रूफ करनी है कि एफ क्रॉस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एफ इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, ये हमने क्या करना है, प्रूफ। अब देखें, हम लेट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एफ बी कांस्टेंट। अगर एफ की डायरेक्शन कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन हो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो, तो जो उसका यूनिट वेक्टर होता है ना, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। अगर एक जो वेक्टर है, एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो आपको पता है ना, 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, यानी अगर एफ फंक्शन कांस्टेंट है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी कांस्टेंट होगा। उसका कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या होता है, 0। अब सवाल में हमें इसने क्या कहा है, एफ वेक्टर क्रॉस उसका डेरिवेटिव। अब ये हमें मालूम है, कोई भी वेक्टर जो है ना, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर हो, उसको हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के प्रोडक्ट में, यानी यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ एफ वेक्टर की जगह मैं उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिख देता हूँ, और यहाँ भी लिख देता हूँ अगले स्टेप में। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो प्रोडक्ट टाइप का फंक्शन है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखें, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये तो 0 के इक्वल है इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखें, चलें यहीं पे चाहे तो 0 कर लें या पहले मल्टीप्लाई कर लें। एफ को एफ के साथ किया, यानी ये भी एक तरह से स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ। एफ स्केयर वेक्टर का क्रॉस किसके साथ हो गया, वेक्टर के साथ। इसी तरह जब आगे वाले के साथ करेंगे तो प्लस, अब ये स्केलर है और ये स्केलर है, ये लहता हो गया, ये वेक्टर का क्रॉस इस वेक्टर के साथ हो गया। अब ये तो हमें मालूम है कि ये 0 है, ये देखे ना ऊपर, तो यहाँ मैंने रख दिया 0। ये इसकी जगह 0 आ जाएगा, और कोई से दो वेक्टर्स का क्रॉस लें, वेक्टर्स का क्रॉस लें तो हमें पता है 0 होता है। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, अगले स्टेप में इसकी जगह भी 0 रख देंगे, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये 0 के इक्वल है ना, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ऐसे कर लें, या दूसरी तरह कैसे हो सकता था कि यहाँ मैं 0 रख देता हूँ, ये देखना जरा आप, यहाँ एफ इंटू एफ का यूनिट वेक्टर, ये 0 होने से ये हो गया 0, यहाँ से आगे डी एफ ओवर डी टी। अब एफ तो आ जाएगा उसके डेरिवेटिव के साथ, और एफ वेक्टर का क्रॉस आएगा उसके वेक्टर के साथ, ये 0 होने से ये सारा 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। ठीक है, कन्वर्सली का मतलब है कि उल्टा, ठीक है, उल्टा भी हम जा सकते हैं इसमें, यानी इसके क्रॉस से हम कांस्टेंट वेक्टर बना के दिखाते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली क्या है, ये वेक्टर और डी ओवर डी टी इंटू एफ वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर क्रॉस डेरिवेटिव वेक्टर इनटू उसका यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया,
मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं प्रोडक्ट फंक्शन प्रोडक्ट लगा लेता हूँ डेरिवेटिव का। वो कैसे आएगा, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का, अब दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्केलर स्केलर के साथ होगा तो एफ स्केयर वेक्टर का क्रॉस वेक्टर के साथ आ जाएगा, डी ओवर डी टी इंटू एफ प्लस एफ का इस स्केलर के साथ आ जाएगा, एफ डी एफ ओवर डी टी। इक्वल टू जीरो, एफ क्रॉस एफ जीरो हो जाएगा। एफ क्रॉस एफ जीरो होने से ये वाला हो गया सारा जीरो, एफ स्केयर इंटू एफ यूनिट वेक्टर क्रॉस डी ओवर डी टी इंटू एफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एफ स्केयर है इसको मैं उधर जाके जीरो कर देता हूँ, डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा एफ क्रॉस डी ओवर डी टी इंटू एफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। उसके बाद ठीक है जी, समझ आई कि नहीं आई, इसने वेक्टर जीरो बताया था, हमने उसका उसके यूनिट वेक्टर को जीरो प्रूफ करके दिखा दिया। इसी तरह एक और चीज भी है इसमें, अगर दो यूनिट वेक्टर्स हो ना तो उनका डॉट इक्वल टू वन होता है, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट वन होता है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का, ठीक है ना, ये समझ जाए कैसे हुआ, इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दो इंटू एफ डी ओवर डी टी इंटू एफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो क्या आ जाएगा, एफ यूनिट वेक्टर डॉट डी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एफ तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है उसका डेरिवेटिव फिर क्या होगा, जीरो। ठीक है जी, इक्वल टू, तो इसका मतलब है एफ क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये उस चीज का प्रूफ है जो हमने शुरू में, यानी इसका हमने यहाँ पर कहा था कि अगर एक वेक्टर है कांस्टेंट, उसकी डायरेक्शन हो तो उसका यूनिट वेक्टर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये इसके हमने दोनों के प्रूफ कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लें यहाँ से, एक ये हो गया, दूसरा भी।